करता हूँ कि आप सब कैसे से होंगे। अल्लाह को खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। तो अक्सर कमेंट्स में मुझे कहा जाता है कि आपका चूल्हा बहुत खूबसूरत है, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चूल्हा कैसे बनाया जाता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले रेत लेंगे, तभी यहाँ पर बजरी ले लेंगे। इन्होंने दो दाबड़े रेत ली है और एक दाबड़ा बजरी ली है। तो दो दाबड़ा रेत में एक दाबड़ा बजरी का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी यहाँ पर दो दाबड़ा सीमेंट लेंगे। तो दूसरा दाबड़ा भी डालेंगे सीमेंट का। तो यहाँ पर इन्होंने दो दाबड़ा रेत, एक दाबड़ा बजरी और दो दाबड़ा सीमेंट डाला है। बीच को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जल्दी मिक्स करने के लिए हाथों पर शाप पर बांध कर फिर इसको मिक्स करेंगे। तो बजरी सीमेंट और रेत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो इसके ऊपर ये इस तरह प्लास्टिक चढ़ाकर, तो इस तरीके से साइडों पे पानी लगाकर इस तरह तरीके से चूल्हे के साइड वाली जगह को प्लेन कर लेंगे। अभी ये सांचे के ऊपर तेल लगा रहे हैं ताकि आसानी से चूल्हा निकल जाए। तो सांचे पे डीजल लगा के इस तरह रखना है। तो चारों तरफ से पेमाइश करके दरमियान में सांचे को करना है। तो जहाँ से आगे से हम आग लगा लगे हैं तो इसका भी सांचा है, तभी इस पर भी डीजल लगा लेंगे। यहाँ से आग लगाई जाती है। तभी इसको कवर करने के लिए सीमेंट की बोरी को फोल्ड करके इसमें रखेंगे। चारों तरफ ईंटें लगा देंगे ताकि ये हिले ना। तो जहाँ पर आग लगाते हैं वहाँ पे भी इस तरीके से ईंट रख देंगे ताकि ये भी बाहर ना आए। तो पहले एक चूल्हे का सीमेंट ले लेंगे। तो पानी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक एक चूल्हे का सीमेंट तैयार करना है, कटा सीमेंट तैयार नहीं करना, इस तरह सीमेंट खराब हो जाता है। तो जो सीमेंट हमने तैयार किया था उससे हम इसकी फिलिंग करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी हम इस पर तार लगाएंगे मजबूती के लिए। तो इस तरह का ये रिंग बनाकर अभी छोटा सा सैया लेकर यहाँ पे आगे की तरफ रखेंगे। ऊपर इस तरीके से फिलिंग कर देंगे सीमेंट की। तो चारों तरफ से इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इसको 2 घंटे खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। तो बाकी का काम बाद में करेंगे। तो अभी इसको इस चूल्हे को 2 घंटे हो चुके हैं, तभी हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जहाँ से आग लगाते हैं वाला सांचा निकालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साइड से भी इस तरीके से निकाल लेंगे चूल्हे को।
तभी इसको बराबर कर लेंगे साइड से। तो इस तरीके से इस चूल्हे को ऊपर से नीट कर लेंगे। तो इस तरीके से सीमेंट की मदद से साइडों पर टिबियां करके बना लेंगे। तो इस तरीके से चूल्हे पर जो है वो आसानी से हांडी जो है वो आ जाती है, जो भी मतलब बर्तन वगैरह रखना है तो इस तरीके से आ जाता है। तो इस तरीके से सीमेंट की मदद से लगाएंगे। तभी उनको थोड़ी देर के लिए खुश होने देंगे। तभी धुएं निकालने के लिए पीछे से सुराख बनाएंगे। तो यहाँ पर पीछे उन्होंने सुराख बना दिया है। तो अभी चूल्हे को निकाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से वो बहुत ही खूबसूरत चूल्हा तैयार हुआ है। मेरे पीछे भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चूल्हे हैं वो तैयार हुए हैं, बहुत खूबसूरत तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। तो ये चूल्हे को 12 घंटे बाद निकाल लिया। तो अभी इसको 12 घंटे के लिए पानी में डालेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के बटन पर दबाइएगा। तक मेरे नए वीडियो तक पहुँचती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।